हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग आए थे साबुद्दीन खान के पास, जिनका चैनल है बुंदेली बेस्ट फ्रेंड कॉमेडी के नाम से। वो उस पर मिमिक्री की वीडियो डालते हैं, तो हम लोगों ने उनकी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखी है जो कि अभी बहुत ही सुर्खियों में चल रही हैं और बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो हम उन्हीं वीडियो को देखने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपन चल के उनका थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं कि कैसी कला है उनके पास। तो चलिए अपन चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास साबुद्दीन जी हैं, तो अपन उनसे पूछेंगे और उनसे जानते हैं कि वो क्या करते हैं, किस प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। और सबसे पहले मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में कुछ हमें बोलकर बताएं। धन्यवाद भाई साहब। देखिए, कलाकार तो कोई होता नहीं है, लेकिन वो तो पता नहीं कैसे क्या, ये तो लोगों का प्यार है, स्नेह है जो लोगों ने हमें दिया। और मैंने कभी सोचा नहीं था, आज पहली बार मैंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए। हमारे कुछ लोगों ने हमको सलाह दी और कहा कि ऐसे से ऐसा करो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, करके देखते हैं। और ऊपर वाले ने और लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, अब मुझे पता नहीं था कि इस मुकाम तक मैं शायद मैं पहुंचूंगा। तो आप हमारे पास आए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको निराश नहीं करूंगा और खुश करूंगा, क्योंकि हम तो छोटे से गाँव के हैं, हिंडोरिया गाँव है हमारा, और जहाँ पर हम लोग मजदूरी मेहनत करके अपना पालन पोषण करते हैं, उसी गांव से चलकर आज हम आपके बीच में आए हैं। तो आप हमारे पास आए हैं, हमें खुशी हुई इस बात की। हम अपने पूरे गांव वालों की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन आपको खुश करेंगे। आपने कहा कि अभी तक आपके बाद मैं ज़रूर सुनाऊँगा, तो आपके बीच में देखिए भाई साहब, हम जिस गाँव से आए हैं वो है हिंडोरिया, और हिंडोरिया गाँव जो है वो एक छोटा सा गाँव है भाई साहब। पहले हमारे यहाँ पर जो है संभाग जो है हमारे यहाँ पर सागर पड़ता है, और सागर के पास जो है एक ज़िला दमोह पड़ता है भाई साहब। आए तो दमोह के पास एक गांव है 15 किलोमीटर दूर, तो उस गांव से हम चलकर यहाँ आए हैं आपके बीच में। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा भाई साहब, कभी खुशी कभी गम जैसा काम होता है। आए तो आप हमारे यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम आपको एक शेर डायलॉग सुनाएंगे अमिताभ का, जो है अमिताभ की आवाज़ में सुनाएंगे। देखिए, रिश्त में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, लेकिन ना मैं शहशाह काल खोल कर सो लो। आए ऐसा थोड़ा बहुत जानते, ज़्यादा नहीं जानते। बहुत ही शानदार। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत ही शानदार अमिताभ बच्चन की मिमिक्री की है। तो एक दो और अपन हीरो लोगों की कुछ भी, शाहरुख खान, सलमान खान की आवाज़ों में और कुछ सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनाएंगे। देखिए, हम पे जो भी बनता है टूटा फूटा हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। और हमारा ये छोटा सा मोबाइल है जिससे हम लोग बनाते हैं और उसी से हम लोग अपलोड करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे। हमारे साथ ही जो मित्र मंडली है वो सब लोग मिलकर काम करते हैं, और उनके साथ मिलकर हम सारा काम करते हैं, और अच्छी बात है हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, अब अगले की आपको जो है सुना दें। अरे खामोश, शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं जिस गांव में हम खड़े हैं वो गांव कोई और नहीं, गुंजी है, जो हिंडोरिया से चलकर आता है 5 किलोमीटर दूर। उसी गुंजी गांव में हम खड़े हुए हैं, और आज हमारे आप पीछे आजू बाजू आप देख सकते हैं, जंगल है, पहाड़ है, सब कुछ है। और आज आप यहां आए हैं इसलिए आए मेरे दोस्त कि मैं आपको इस मसाले को दे सकें। हम ज़्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते मेरे दोस्त कि हम सिर्फ छोटे से कलाकार हैं जो आज गुंजी में आए हैं। हम लोग छोटे छोटे कलाकार आपके बीच में पहुंचे हैं, गुंजी से, हिंडोरिया से सभी कलाकार हम लोग मिलकर अपना उल्टा सीधा जो भी बनता है दोस्त उसको हम करते हैं। अबे खामोश। थोड़ी आगे चले, हमारे खास मित्र हमको मिल गए, वो खास मित्र थे हमारे। हमने कहा चलो भाई उनसे भी मुलाकात की ली जाए, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो जैसे ही थोड़े आगे चले हम लोग, तो हमने कहा भैया हमारे अच्छे मित्र हैं, सब लोग जानते हैं। कहने लगे भाई साहब आप हमें थोड़ा सा कुछ सुनाएं। तो हमने कहा ठीक है। तो फलानी पिक्चर बहुत लोगों ने देखी होगी, अकबर बादशाह की फिल्म है, वो कौन सी है, अनारकली पिक्चर है जो देखिए। तो वो बोलते हैं अनारकली एक तख्त ताज की मलकन ही बन सकती, बेगम साहिबा शहजादे सलीम को बुलाया जाए। तो हमने थोड़ा उसमें कॉमेडी किया है ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट कर सकें, खुश रख सकें। तो बोलते हैं वो अनारकली बेगम साहिबा शहजादे सलीम को बुलाया जाए। तो बेगम साहिबा बोली
अब बीगन साहब हैं जो वो गांव की हैं बोली, वो कहा लड़का तीन दिन से घर में लकड़ियाँ नहीं हैं, आओ तीन दिन से घर में लकड़ियाँ नहीं हैं, कहियो ना तो लड़का तो कंडा बीन में गाँव है सलीम। खामोश, एक बार सख लड़का और कंडा बीन ने हल्ला, तुम तो बैठे रहो चुपचाप, तुम तो बस एक काम करो, कुर्सी ठोरो और रोटी खाओ खी, चार दिन से आँखें फूटी जा रही, तुम्हें तो लगता ही नहीं है बिल्कुल। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो जैसे ही वहाँ से चले तो बिरफुल बोले, वो हम जानते हैं लेकिन याद रखो, हमारा बेटा जैसे ही आए हमारे पास उसे लेकर आना। ओ का है तुम्हें, कहा है तुम्हें तो अपने लड़का चाहना कम कछु यहाँ सो नहीं होते आए, तुम तो चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें चार रोटी तो मिला, तुम तो खेओ और कुछ नहीं करना, तुम आ जाए। वे चले गए। तो ऐसे ऐसे भैया हमारे तो कछु लोग रहे थे, का कर सका तू के लाजन। शक्तिमान जी बहुत लोगों ने देखो हुई है, शक्तिमान सीरियल बहुत ही ज्यादा बहुत लोगों ने देखो, और हमारी वीडियो में शायद डलो भी है। शक्तिमान जी ऐसे इंटरव्यू चल रहा हो तो शक्तिमान जी ऐसे खड़े थे, तो एक भाई इंटरव्यू में जाकर घुस गई गाँव की, तो इंटरव्यू चल रहा हो तो कहले शक्तिमान जी आप बता सकते हैं कि आपने शक्तिमान नाटक क्यों बंद कर दिया? तो शक्तिमान जी बोले मैं जानता हूँ छोटे छोटे बच्चे चक्कर खा के गिर जाते हैं, उनके मम्मी पापा मुझे गाली देते हैं। जब आई के जो बाई बैठी थी भैया इंटरव्यू में, सुबह उठी के लगे बंद कर दिए नाटक फाटक, अपने माँ से लगा था बताओ हमारा टन टाई ऊपर छत पे गो भाई, कहले भाई मैं शक्ति मानू अन्य साख ले ऐसा चक्कर खास ऊपर से गले तो चाडी ला फट गई, बंद कर दिए नाटक फाटक। इसलिए मैंने नाटक बंद कर दिया है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। तो यहाँ से भैया कई यहाँ से लोग रहे थे जो मिला जुला थे। अब थोड़ी आगे चले जगदीश जी काम कर रहे थे, किले पंडा है हमारे थे किले पंडा, मैंने जगदीश भैया राम राम बोले, अरे हे राम राम, अरे हे, अरे कहाँ जा रहे ए, अरे बताइए, कहले भैया अरे कटाई कर वे, अरे हे। तो ऐसा कहीं कहीं हो जाता है। धन्यवाद, मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ आए और मैं नमस्कार करता हूँ आपके लिए। तो साहबुद्दीन जी मैं आपसे आपके चैनल के बारे में वो नाम पूछना चाहूँगा, आपके चैनल का नाम क्या है, क्योंकि मैं हर बार वो आपका नाम भूल जाता हूँ चैनल का। हाँ अरे भाई क्या मैं सोइया भूल जाता तो मैं खुद नहीं ज्ञान रहे तो कहीं ज्ञान यहाँ है गाँव देहात के आप या मुझे ज्ञान यहाँ है, तो वो तो हमें खुद नहीं पता तो, लेकिन जब हमने चार छः बार वहाँ याद कर लाओ रट लाओ, जब याद रहो हम आ जाए। तो देखिए देखिए हमारे जो चैनल का नाम है वो बुंदेली बेस्ट फन है, बुंदेली बेस्ट फन है भाई साहब, और आप यहाँ आए हमें खुशी हुई इस बात की कि आप हमारे यहाँ आए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो दुनिया भर में हमारे जो लोग हैं, हमारे यार, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, बस इतना चाहते हैं हम आपका आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग लोगों का मिलता रहे, इसलिए सबके लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगत। सब्सक्राइब करें, लाइक सपोर्ट जरूर करें यार, आप देख रहे हैं वो कितनी अच्छी मिमिक्री करते हैं और अभी बढ़ रहे हैं, तो उनका बहुत ही ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें और उनको आगे उठाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।